अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल वन टू ऑल बाय नास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन जी। तो माय यूट्यूब फैमिली, आज आ गई हूँ मैं एक और ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है ग्रीन टी के साथ और ये है फ्राइडे की मॉर्निंग जिसमें मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी टी, और तो अपने लिए मैंने बना ली ग्रीन टी। तो टी वर्सेस ग्रीन टी, क्योंकि मुझे ज़्यादातर सुबह नाश्ते में ग्रीन टी पीना पसंद है। मैं सुबह नाश्ते में चाय नहीं पीती, ग्रीन टी अब मैं पीना मैंने स्टार्ट की है। और फिर हम लोग गए शाम को बारात में, क्योंकि जो मैंने मेहंदी व्लॉग किया था, अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया है तो इस वीडियो के बाद आप लोग वो व्लॉग भी ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लास्ट में थंबनेल लगा दूँगी। तो ये मैंने ड्रेस वेयर किया था, इस ड्रेस की मैं आपको फुल लुक नहीं दिखाऊँगी, सिर्फ आप लोग ऐसे ही झलकियाँ ही देख लें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ ये वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ वेडिंग सीरीज़ में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कम बजट में वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन, मायू मेहंदी निकाह वलीमा चौथी हर फंक्शन के लिए मैं आप लोगों के लिए ड्रेसेस लेकर आऊँगी, वेडिंग सीरीज़ लेकर आऊँगी और कम बजट में अच्छे से अच्छे और स्टाइलिश और डिज़ाइनर वेयर ड्रेसेस लेकर आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। और मैं ये वेयर करके गई थी ये वाली रिंग, ये रिंग मेरी बहुत ही फेवरेट है। ये गोल्ड प्लेटेड रिंग है, गोल्ड की नहीं है लेकिन गोल्ड प्लेटेड रिंग है, और मैंने ये बनवाई भी उन गोल्ड वाले से, ये जो जहाँ पे गोल्ड बनता है वहाँ से मैंने ये गोल्ड प्लेटेड रिंग बनवाई है। ये डिज़ाइन मेरा खुद का है और बहुत ही मुश्किल से मैंने ये डिज़ाइन सेलेक्ट करके ये बनवाया था, क्योंकि मुझे चाहिए थी कुछ डिफरेंट रिंग चाहिए थी, जो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट हो, यूनिक हो, नेम वाली चाहिए थी और सबसे अलग और हटके चाहिए थी। तो इसलिए मुझे ये डिज़ाइन पसंद आया, और आर्टिफिशियल जो बनाते हैं ज्वेलरी उन्होंने मना कर दिया, तो इसलिए फिर मैंने ये गोल्ड ज्वेलरी वाले जो बनाते हैं उससे ये बनवाई, और थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज भी मुझे देने पड़े, लेकिन खैर पसंद की चीज़ बन गई। और इसके बाद भी मैंने ये ब्रेसलेट वेयर की थी, जिसमें जिस फिंगर में मैंने ये रिंग वेयर की थी उसी हैंड में मैंने रेड कलर की ब्रेसलेट वेयर की थी, और दूसरे हैंड में मैंने ये वॉच और ये वाली रिंग वेयर की थी। कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा, एंड रेडी टू गो। और ये आप लोग देखिए क्लिप्स बारात के। आप लोगों के लिए मैंने ये स्पेशल ये बनाई है वीडियो, देखें बहुत ज़बरदस्त एंट्री थी, तो सोचा कि मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए भी वीडियो बना ली जाए। तो कुछ कुछ हाइलाइट्स मैंने जो है आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो आप लोग प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कीजिएगा। जी तो कैसी लग रही है आप लोगों को एंट्री, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग मेरे व्लॉग को अगर कर रहे हैं तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा मुझे। फिर सैटरडे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, फिर ये संडे मॉर्निंग हम लोगों ने स्टार्ट की थी अपनी सूप के साथ और ग्रीन टी के साथ। हस्बैंड ने टी पी थी, मैंने ग्रीन टी पी थी और सूप के साथ। और फिर शाम में हमने बनाए थे ये मेमन स्पेशल, हमारे मेमन फैमिली के स्पेशल विंटर स्पेशल ढोकरे। सर्दियां हो और हमारी मेमन फैमिली में ये विंटर स्पेशल डिश ना बने जिसे हम ढोकरे कहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत ज़बरदस्त डिश होती है, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये, और सर्दियों की हमारी ये सौगात होती है। आप लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा, ढोकरे इसे कहते हैं। तो फिर शाम में हम लोगों ने ये बनाए थे संडे को, तो सोचा आप लोगों के लिए भी ये रिकॉर्ड कर लूँ। ये देखिए कितने गर्मा गर्म है और इसमें से धुआं निकल रहा है, और इसके ऊपर चाट मसाला डाल के खाएं तो आहा हा मज़ा आ जाता है। और फिर बज गए रात के 12, फिनिश संडे, लेट्स प्रिपेयर टू मंडे। प्रेस टाइम अब हम कर रहे हैं ऑफिस के लिए और स्कूल के लिए, इस्त्री यानी कपड़े प्रेस कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रही थी, एक हाथ से इस्त्री कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो रहा था, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। फिर मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड कर ली इसके बाद मैंने सही से इस्त्री कर ली थी। यहाँ पे मैं अपने बेटे के स्कूल के यूनिफॉर्म के प्रेस कर रही हूँ,
बहुत रैंडम सा व्लॉग है, जैसे जैसे जो मैं रेगुलर रूटीन में कर रही थी तो मैंने ऐसा ऐसा जो भी था मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया। और यह मैं जैकेट कर रही हूँ स्कूल की। बहुत मुश्किल हो रहा था एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और एक हाथ से इस्त्री करना, लेकिन खैर आप लोगों के लिए मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पे हो गई है हस्बैंड की और बच्चे की स्कूल ऑफिस दोनों के कपड़े रेडी, प्रेस डन जी। तो आज आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मेहंदी व्लॉग अगर नहीं देखा तो जाके ये व्लॉग भी ज़रूर देख लें। और मेरी अगर मायू मेहंदी की जो अपने ड्रेसेस मैंने डिज़ाइन शेयर किए हैं उसकी वीडियो नहीं देखी, और वेलवेट ड्रेसेस की वीडियोज़ अगर नहीं देखी तो यहाँ पर मैं थंबनेल लगा रही हूँ, प्लीज़ इन वीडियोज़ को भी वॉच कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कीजिए। ओके माय यूट्यूब फैमिली, आऊँगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। ओके अल्लाह हाफिज़।